नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जून दिन शनिवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विपक्षी एकता को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कही ये बात। प्रशांत किशोर ने राजद पर लगाया यह आरोप। बिहार में दलित वोटर्स और सवर्ण वोटर्स पर अपना दावा पेश करने वाले ये दल निकालेंगे रैली। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर बीजेपी नेता ने कसा तंज। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को कह दिया 50 साल का बच्चा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की राजनीति के दिन भर के बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विपक्षी एकता को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि एकजुट विपक्ष अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में चमत्कार कर सकता है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों अपने होम टाउन पटना पहुंचे हुए हैं, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही है। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों के बैठक को लेकर कहा कि इस बैठक से उन्हें काफी आशाएं हैं। साथ ही नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की प्रशंसा भी की है और कहा कि उनकी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी बैठक में भाग लेने के लिए सहमत हो गई हैं। वहीं ममता बनर्जी और राहुल गांधी की बात करते हुए कहा कि मैंने हमेशा माना है कि ममता बनर्जी एक गेम चेंजर है। यह बहुत अच्छा है कि वह राष्ट्रीय आइकॉन राहुल गांधी जैसे लोगों के साथ होंगी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद वीरता हासिल की है। बिहार में दलित वोटर्स और सवर्ण वोटर्स पर अपना पेश करने वाले ये दल निकालेंगे रैली। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दलों के लिए वर्ष 2024 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी में लगी राजनीतिक पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से बिहार की राजनीति में नवम्बर का महीना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दलित वोट बैंक पर दावा करने वाली बिहार की पार्टियां, जहां एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा है तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, दोनों ही पार्टी आगामी महीने में अपनी रैली निकाल गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। वहीं सवर्ण वोट बैंक पर दावा करने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन भी पटना के गांधी मैदान से ही अपनी रैली निकालेंगे। आनंद मोहन इस रैली में आने के लिए राज्य के कई जिलों में घूम घूम कर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आनंद मोहन सवर्ण वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में सफल हो जाते हैं तो यह बीजेपी के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। प्रशांत किशोर ने राजद पर लगाए यह आरोप। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से अपनी राजनीतिक दिशा तय कर रहे प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि यदि तेजस्वी यादव कहें कि क्राइम और क्रिमिनल से मेरा कोई संबंध नहीं है तो समझिए हुए वैसा ही मामला है कि बाघ ने मांस खाना छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे बिहार के माफिया सिर्फ एक ही पार्टी के लोग हैं, सारे माफिया राजद के लोग हैं और बिहार को अवैध बालू खनन का केंद्र बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार नहीं पूरे देश ने देखा है कि राजद के शासनकाल से अपराधियों का किस तरह नंगा नाच होता था। बीजेपी नेता के विवादित बयान पर भड़की जदयू। बिहार के सियासत में अब नाथूराम गोडसे की एंट्री होती दिखाई दे रही है। दरअसल भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गोडसे अगर गांधी के हत्यारे हैं तो भारत के सपूत भी हैं। वे भारत में पैदा हुए थे और वह औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रमणकारी नहीं थे। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद जदयू ने इस पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा कहा गया कि गोडसे को देश माँ का सपूत कहना भारत के माथे पर कलंक के समान है। गोडसे देश का नहीं बल्कि बीजेपी का सपूत हो सकता है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को कह दिया 50 साल का बच्चा। अररिया कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। दरअसल उन्होंने ओसामा बिन लादेन से राहुल गांधी की तुलना करते हुए कहा कि आजकल राहुल गांधी ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर मोदी जी की तरह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इतना कहते ही उन्होंने राहुल गांधी को 50 साल का बच्चा करार देते हुए कहा कि जो आदमी 50 साल का हो और उन्हें राजनीतिक बुद्धि नहीं हो तो उससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ओडिशा के बालासोर में हुए भयावह हादसे को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भीषण रेल हादसे के बाद बिहार में इस हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तो खूब चल रही है, लेकिन बिहार सरकार ने ना तो हेल्प डेस्क बनाया और ना ही अपने किसी मंत्री को ही बालासोर भेजा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के 21 यात्री अब भी लापता हैं, लेकिन परिजनों को सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री से इस्तीफा मांगने वाले लोगों ने पीड़ितों के लिए कुछ भी नहीं किया या अब तक लापता लोगों के परिजनों की सहायता तभी अच्छी तरह से होती जब इसके मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने किसी वरिष्ठ मंत्री को वहाँ कैंप
कराया होता। लापता लोगों के गरीब परिजन अपने सीमित साधन से बालासोर गए, दर दर भटके और पैसा खत्म होने पर मायूस होकर वापस लौट गए। बिहार के कांग्रेस विधानमंडल दल में नए नेता चुनने पर पार्टी में दिखी नाराजगी। अभी हाल में ही बिहार में कांग्रेस विधानमंडल दल में नए नेता का चुनाव देखने को मिला, लेकिन इसके बाद इसे लेकर पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस से विधायक अजीत शर्मा जो विधानमंडल दल के नेता थे, उन्होंने कहा है कि पार्टी ने नया विधानमंडल दल का नेता चुना है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। नए नेता चुनने के मामले पर मुझसे कोई सहमति नहीं ली गई, लेकिन खुद को उन्होंने पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि पार्टी उन्हें जो भी भूमिका देगी वे उस पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता ने लालू परिवार पर कसा तंज। आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहने वाले बिहार सरकार में वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल बीते ही दिनों तेज प्रताप के YouTube चैनल के पूरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद उन्होंने उत्साहित मन से एक बड़ा सा होर्डिंग बोर्ड और पोस्टर पटना की सड़कों पर लगवाया। अब इसे लेकर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब तेज प्रताप से आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, सब लोगों को बधाई देना चाहिए कि इतना तो उन्होंने लिख दिया। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब कहीं कल होकर तेज प्रताप यह ना कह दें कि यह गलती बीजेपी के कारण हो गई है, क्योंकि उनके घर से बाहर तक जो भी प्रॉब्लम होता है वह बीजेपी के कारण ही होता है। आगे उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव से तो हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई की बात है, यह तो चाचा भतीजे का खेल चल रहा है। चिराग पासवान पर जदयू बिहार अध्यक्ष ने लगाए आरोप। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अक्सर दलित वोट बैंक का दावा करती है। अब इसे लेकर जदयू के बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने चिराग पासवान पर तंज कसा है। दरअसल उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा के इशारे पर चिराग पासवान बिहार के दलित समाज को बरगलाने के प्रयास में जुटे हैं, दलितों को बेवकूफ बनाने में अब वे सफल नहीं होंगे। आगे उन्होंने कहा कि बिहार का दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ा हुआ है। सवालिया लहजे में उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय चिराग पासवान को इस बात का हिसाब देना चाहिए कि पिछले 9 सालों में उन्होंने जमुई की जनता के लिए क्या किया। तेजस्वी के 10,00,000 नौकरी के वादे पर बीजेपी नेता ने कसा तंज। बिहार में बीते ही दिनों विज्ञापन जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है कि बिहार पुलिस ने 21,391 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसकी जानकारी खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा ट्विटर हैंडल पर साझा किया गया है। उन्होंने विज्ञापन को लेकर लिखा कि पुलिस में लगभग 75,000 पदों पर नियुक्ति की कैबिनेट में स्वीकृति दी जा चुकी है। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए बोला कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था वो वादा पूरा कहाँ कर रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10,00,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। तेजस्वी के इस वादे पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि तेजस्वी आखिर 10,00,000 रोजगार के अवसर कब सृजित करेंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला और भ्रष्टाचार की वजह से ही 1,700 करोड़ का पुल धराशायी हो गया है। मायावती के इस ऐलान से नीतीश के विपक्षी एकता की पहल को लगा झटका। विपक्षी एकता की पहल पर अब बीएसपी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने ग्रहण लगा दिया है। दरअसल यह जानकारी सामने आई कि मायावती की पार्टी विपक्षी एकता के इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। साथ ही मायावती की पार्टी द्वारा यह भी ऐलान किया गया है कि वह किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और अपने ही दम पर अकेले 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी यह खबर सामने आई थी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने भी इस बैठक में आने से इनकार कर दिया है। वहीं जब तेजस्वी यादव से इस बात को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को टालते हुए कहा कि उनकी KCR से बात नहीं हुई है। अब जब मायावती द्वारा भी इस बैठक में शामिल होने से लेकर दूरी बना ली है तो विपक्षी एकता को झटका लगना तय है। महबूबा मुफ्ती ने विपक्षी एकजुटता को बताया जरूरी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे विपक्षी एकजुटता को लेकर कश्मीर के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गांधी के हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का एकजुट होना बेहद जरूरी है। विपक्ष के पास से एकजुट होने के अलावे कोई और चारा नहीं है। अगर आप गांधी के इस मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने से बचाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े से इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, तो आपके पास एकजुट होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर कसा तंज। इन दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी संसदीय क्षेत्र के सलोन क्षेत्र में पहुंची हुई हैं, जहां वे गांव-गांव में घूमकर लोगों की समस्याएं सुनती दिखाई दी हैं। इसी दौरान एक बुजुर्ग अपनी समस्याओं को लिए
स्मृति ईरानी के पास पहुंचा। बता दें कि बुजुर्ग ने जो टी शर्ट पहन रखे थे उस टी शर्ट पर प्रियंका गांधी की फोटो छपी थी, साथ ही कांग्रेस के चुनाव चिन्ह भी छपे थे। स्मृति ईरानी ने अपने साथ बुजुर्ग की तस्वीर खींच अपने ट्विटर के अकाउंट पर साझा किया। तस्वीर साझा करने के साथ उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि ये है मोहब्बत, जब काम उनसे ना बने और हम तक पहुँचे, क्योंकि वे भी जानते हैं कि हमने की है। आगे उन्होंने बुजुर्ग से बात करते हुए उनकी समस्याओं को सुन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी एकजुटता के नेतृत्व को लेकर कही ये बात। विपक्षी एकजुटता को देखते हुए कटियार पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने जमकर हमला बोला है। विपक्षी एकजुटता के खिलाफ उन्होंने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 प्लस सीटें लेकर आएंगी। वही विपक्षी एकजुटता के नेतृत्व पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इकट्ठे होंगे और उनका नेतृत्व भी यह तय नहीं कर पाएगा कि इनके प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। सभी प्रधानमंत्री ही बनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वे कहीं पर टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि इकट्ठा होकर भी उनका नेतृत्व कौन करेगा, एक बार वह नाम तो उजागर करे। क्या वह राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़े होंगे या नीतीश बाबू के या फिर ममता बनर्जी या ये सब नहीं तो किसके नेतृत्व में खड़े होंगे। महाराष्ट्र में मौजूद एनसीपी पार्टी में आगामी चुनाव से पहले हुआ बड़ा फेरबदल। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही एक बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल पार्टी में दो कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा करते हुए सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही सुप्रिया सूले को पंजाब और हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि अभी हाल में ही एनसीपी प्रमुख ने इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन शरद पवार के समर्थकों ने उनसे अनुरोध किया तो शरद पवार ने उस इस्तीफे को वापस ले लिया। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, अंशु प्रिया, मोहम्मद शाकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, रविशंकर, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।